हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, दिस इज रिजल मिश्रा। सो गाइस, आज की वीडियो में हम गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन परिचय को डिस्कस करेंगे। तो चलिए और बिना देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु हैं। आप सबको पता भी होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी को सिखों के 10वें गुरु के रूप में माना जाता है। इनका जन्म पौष सुदी 7वीं सन 1666 को पटना में माता गुजरी जी तथा पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर हुआ था। उस समय गुरु तेग बहादुर जी बंगाल में रहते थे। उन्हीं के वचन अनुसार गुरु जी का नाम गोविंद राय रखा गया और सन 1699 को बैसाखी वाले दिन गुरु जी पंज प्यारों से अमृत छककर गोविंद राय से गोविंद सिंह जी बन गए। उनके बचपन के 5 साल पटना में ही गुजरे रहे। 1675 को कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुनकर श्री तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में बलिदान दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 11 नवंबर 1665 को गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। धर्म एवं समाज की रक्षा हेतु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। पांच प्यारे बनकर उन्हें गुरु का दर्जा देकर स्वयं उनके शिष्य बन जाते हैं और कहे जाते हैं, जहां 5 सिख इकट्ठे होंगे वहीं मैं निवास करूंगा। उन्होंने सभी जातियों के भेदभाव को समाप्त करके समानता स्थापित की और उनमें आत्मसम्मान की भावना भी पैदा की। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नियों के नाम है माता जी ज्योति जी, माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी थी। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह आपके बड़े साहिबजादे थे, जिन्होंने चमकौर के युग में शहादत प्राप्त की थी। और छोटे साहिबजादों में बाबा जोराहर सिंह और फतेह सिंह को सरहंद के नवाब ने जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया था। सरहंद के जो नवाब थे उन्होंने इन लोगों को जिंदा ही दीवारों में क्या किया था, चुनवा दिया था। युद्ध की दृष्टि से आपने केशगढ़, फतेहगढ़, हौलगढ़, आनंदगढ़ और लोहगढ़ के किले बनवाए। पोटा साहिब आपकी साहित्य गतिविधियों का स्थान था। दमदमा साहिब में आपने अपनी याद शक्ति और ब्रह्म बल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का उच्चारण किया और लिखारी लेखक भाई मनी सिंह जी के गुरबाणी को लिखा। गुरुजी रोज गुरबाणी का उच्चारण करते थे और श्रद्धालुओं के गुरबाणी के अर्थ बताते जाते और भाई मनी सिंह जी लिखते जाते। इस प्रकार लगभग 5 महीने में लिखाई के साथ साथ गुरबाणी की जुबानी व्याख्या भी संपूर्ण हो गई। 1,25,000 से 1,00,000 चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं तब गोविंद से नाम धराऊं। चिड़िया ते मैं बाज लड़ावा गिद्ध तो मैं शेर बनाऊं। 1,25,000 से 1,00,000 तब है गोविंद से नाम धराऊं। तब है गुरु सिंह नाम धराऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।